हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स। आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, अर्थात एक धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र की वजह से लगने वाले बल का मान। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम दो या तीन क्या करते हैं, कंसिडरेशन करते हैं कि अपन जो लेके चल रहे हैं डायरेक्शन वो किस हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपन कंसिडर करेंगे वो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो किस दिशा में होगी, तो सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे, डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की किस दिशा में ले रहे हैं अपन, ये हमारा बोर्ड है। बोर्ड के जस्ट बाहर की तरफ, मतलब आपकी तरफ, आपकी इन सेंस की मतलब चुंबकीय क्षेत्र है इस दिशा में। ठीक है, और एक क्या रखा है, करंट कैरिंग वायर रखा है, अर्थात धारावाही चालक तार रखा हुआ है। अब इसमें धारावाही का नाम है, इसका मतलब क्या है, उसमें करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो हो रही है तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, फ्लो होगा। और इलेक्ट्रॉन का यदि फ्लो हो रहा तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, एक अपवहन वेग भी होता है। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर जो बताने लायक, मतलब जो आप जानते हो वो ये है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा के अपोजिट साइड में क्या करते हैं, मोशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन धारा के अपोजिट साइड में मोशन करते हैं। अब यदि चुंबकीय क्षेत्र को मैं बाहर की तरफ मान लूँ और धारा को ऊपर की तरफ मान लूँ, तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में बहेंगे, नीचे की तरफ ही बहेंगे। तो ये हमारे यदि एक मैं बात करूँ डीएल अल्पांश की, ठीक है, डीएल अल्पांश की, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, और तो अपवन वेग भी क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, हमने क्या लिया है, करंट कैरिंग वायर लिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ली, और हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बह रहे हैं उसको हमने क्या किया, कंसिडर किया, पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ पे ले रहे हैं अपवहन वेग को, तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब आप यहाँ पे ये सोच सकते हो कि ये डीएल अपॉन डीटी क्यों लिया, तो अपन पूरे करंट कैरिंग वायर की बात नहीं करें, अपन केवल और केवल इतने से अल्पांश की बात करें। तो इस अल्पांश में जो अपॉन वेग होगा वो कितना होगा, डीएल अपॉन डीटी, क्योंकि वेग बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अब एक बात बताइए, यदि मेरे को कोई बोले कि चार्ज की वैल्यू बताओ, तो चार्ज क्या होता है, धारा होती है आवेश प्रवाह की दर। तो यहाँ से आवेश क्या निकल जाएगा, धारा इंटू समय। अब अपन यहाँ पे समय कौन सा लेके चल रहे हैं, डीटी लेके चल रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे आई का मान कितना होता है, सॉरी यहाँ पे डीक्यू का मान कितना हो जाएगा, डीक्यू का मान हो जाएगा आई इंटू कितना हो जाएगा, डीटी। ठीक है, फर्दर आगे देखिए, अब अपन क्या करेंगे कि अपन को डीक्यू का मान मिल गया, और अपन एक बात जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है उसका मान होता है एफ नेट। एफ नेट क्या होता है, क्यू नेट मतलब परिणामी बल। ठीक है, यहाँ पे आप एफ बी भी कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स, जबकि यहाँ पे सिंपल बता रहे हैं एफ नेट मतलब परिणामी जो बल होता है, एफ बराबर होता है वी क्रॉस बी। वी एफ बराबर क्या होता है, वी क्रॉस बी। अब V क्या है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अपन किससे डिनोट करते हैं, VD से, किससे करते हैं, VD से डिनोट। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास वैल्यू है किसकी, DQ की, और हमारे पास वैल्यू है किसकी, VD की। तो ये यदि अपन दोनों वैल्यू रखें तो अपन क्या निकाल सकते हैं, F नेट निकाल सकते हैं। तो F नेट का मान कितना आ जाएगा, F नेट का मान आ जाएगा, Q का मान कितना आया, Q का मान आया आई इंटू DT, और DT का मान कितना है, DT का मान कितना है, देखो यहाँ से यदि अपन DT निकालें तो DT की वैल्यू कितनी निकलेगी, DT का मान निकलेगा, DT आ जाएगा ऊपर, DL ऊपर, और VD क्या आ जाएगा, नीचे। तो DT कितना बनेगा यहाँ पे, DL अपॉन VD। तो देखिए यहाँ पर DL अपॉन VD बनेगा, और Q का मान कितना बन जाएगा, Q यहाँ से बन जाएगा I इंटू क्या हो जाएगा, DL अपॉन कितना हो जाएगा, VD अपॉन में कितना हो जाएगा, VD। ठीक है, देखिए मैंने ये सारा कुछ एक साथ बता दिया, मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखो अपन धारा जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को, अपन को DT का मान नहीं पता ना, तो DT अपन किससे निकाल लेते हैं, बस अपॉन वेग से। इतना सा ही किया वो एक साथ क्या कि थोड़ी एक ही जगह में लिख दिया, तो थोड़ा सा इसे कंजेस्टेड लग रहा है। ठीक है, आगे देखिए, एफ नेट मतलब चुंबकीय क्षेत्र की वजह से बल, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, क्यू का मान हो जाएगा आई, और मल्टीप्लाई हो जाएगा डीएल अपॉन में कितना हो जाएगा, वीडी। और अपन जानते हैं यहाँ पर क्रॉस आता है तो क्या आता है, साइन थीटा आता है ना, और साइन थीटा का मैक्सिमम मान कब होता है बताओ, जब बी और वीडी क्या हो, लंबवत हो। वापिस समझना, साइन थीटा का मैक्सिमम मान कब होता है, जब
अपवन वेग और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, लंबवत हो। अब अपन यह देखेंगे कि क्या सच में अपवन वेग और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होता है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन सिंपल वापस कंसीडर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में, आपकी तरफ, और वीडी किस दिशा में, नीचे। तो इसको मैं इसे गोल करके बता दूं आपको, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र और इसके बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का बनता है तो साइन 90 का मान कितना होता है, एक। दैट मीन्स यहाँ से क्रॉस हटा दो और साइन भी हटा दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी डी इंटू क्या हो जाएगा, बी, और वी डी से वी डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आई एल, इसको आप डी एल क्रॉस बी भी लिख सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, एफ नेट, किसकी वजह से, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, ठीक है। अब अपन इसको एक थोड़ा सा और भी सोल्व कर सकते हैं कि यदि अपन को ये तो क्या था, परिणामी अपन क्यों लेके चले थे ना, क्यों का मतलब कंप्लीट क्यों, यदि आपको क्यों अल्पांश के लिए निकालना हो तो आप अल्पांश के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है, वो आप निकालना चाहो तो आप इसका मान रख के निकाल सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज़ है जो मतलब सोचने लायक है कि यदि अपन को कोई करंट कैरिंग वायर दे दे और इसकी अपन को बोले कि फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो वो कैसे निकालेंगे। तो यदि आप यहाँ तक लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद अपन बात करेंगे कि भी फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी। तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन के लिए जनरली यहाँ पर हमारे पास कितने लो है, दो नियम है, ठीक है। पहला तो कौन सा है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। तो पहला नियम समझना, पहला जो नियम कहता है दाहिने हाथ की, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। अब ये नियम क्या कहता है समझिए, ये नियम इस प्रकार से कहता है कि आप अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार से रखो कि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और अंगूठा किस दिशा में हो, धारा की दिशा में। वापस समझिए, जो आपकी फिंगर रहेगी, ठीक है, वो किस दिशा में रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। आपका जो थंब रहेगा वो किस दिशा में रहेगा, धारा की दिशा में। तो आपकी जो हथेली रहेगी वो किसको बताएगी, वो बताएगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स अर्थात बल की दिशा को बताएगी। देखना कैसे, देखिए ये आपका क्या है, दाहिना हाथ है। अब यहाँ की कंडीशन बताओ, इसमें चुंबकीय क्षेत्र आपने किस तरफ माना था, आपकी तरफ, और धारा किस दिशा में थी, ऊपर की तरफ। तो हथेली की दिशा किस तरफ है, जस्ट मेरी तरफ। दैट मीन्स यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में। तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन आ गई वो बाहर, बाहर इन सेंस जस्ट लाइक दिस, मतलब इस पे ताप पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा एक पहले नियम से। अब अपन एक फ्लेमिंग का नियम और है, फ्लेमिंग का क्या है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम अर्थात लेफ्ट हैंड रूल। अब ये किसका है, ये है फ्लेमिंग का, ये किसका है, फ्लेमिंग का। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहता है कि तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, ठीक है, तीनों तीन क्या है, अंगुलियां। बट ये कौन से हाथ की है, बाएं हाथ की है, ठीक है। तो ये कहता है कि तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा को आप इस प्रकार से पकड़ो कि तर्जनी अंगुली आपको किसकी बताए, धारा की दिशा, ठीक है, धारा की दिशा, और अंगूठा, अंगूठा किसको बताए, चुंबकीय क्षेत्र को। तो ये बीच वाली मध्यमा अंगुली होगी वो किसको बताएगी, बल को बताएगी, ठीक है। वापस समझिए, इसमें देखिए आप लगा कैसे ही सकते हो, पर यदि मैं आपको अकॉर्डिंग टू इसके बताऊं तो ये कहता है कि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र, देखना ये कहता है तर्जनी मतलब यही होती है ना, चुंबकीय क्षेत्र मतलब तर्जनी में आपकी तरफ है, ठीक है, और मध्यमा अंगुली होनी चाहिए धारा की दिशा में। मध्यमा अंगुली कौन सी है, अब धारा किस दिशा में है, ऊपर की तरफ है कि नहीं, बट चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है, जस्ट आपकी तरफ। तो अंगूठा किस दिशा में मुड़ रहा है, इस दिशा में, तो अंगूठा किसको बताएगा, धारा की दिशा को। तो मतलब इसमें आप कैसे भी कर सकते हो, इसमें इसको दिक्कत नहीं है, मतलब एक अंगुली है ना, अब वो चाहे तर्जनी हो वो किस में रहे, चाहे धारा में रहे, धारा की दिशा में, मध्यमा किस में रहे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो जो आपका अंगूठा होगा वो अपने आप ही किसको बता देगा, फोर्स की डायरेक्शन को बता देगा, किसको बता देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस पे जो वापस देखे फोर्स लगेगा वो किस दिशा में होगा, जस्ट इस दिशा में। तो ये था स्टूडेंट एक छोटा सा वीडियो किस पे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर,
एंड डायरेक्शन, अर्थात साथ में हमने क्या जाना, डायरेक्शन भी जाना। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये वीडियो समझ में आया हो। यदि ये वीडियो समझ में आया हो तो आप इसको शेयर कीजिए, ताकि कोई स्टूडेंट के इसमें डाउट हो तो वो क्लियर कर सके। दूसरी बात, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए, कंटिन्यूस रखिए। अपन इसमें मतलब जो आपकी एक बुक है वो भी अपन ऑनलाइन इस पर कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि ऑफलाइन स्टार्ट हो जाता है तो भी सिलेबस पूरा होगा, नहीं भी होता है तो भी आपका सिलेबस ऑनलाइन पूरा करवाएंगे अपन, ठीक है। या पूरा करवाने की पूरी अपन क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग, थैंक यू।